जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत है SKT फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला ZGS वर्सेस UKX का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में, डेट एंड टाइम के बारे में बात की जाती है। 7 मई को 11:45 को मैच स्टार्ट होगा, मतलब आज रात को 11:45 को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करते हैं, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह UAE में खेला जाएगा। और वेदर के बारे में बात करें तो 1% भी बरसात होने का चांसेस नहीं है। और मैं आपको एक ऐप का नाम बताऊंगा, सब 100% मनी इजीली से एन कर सकते हैं, माई मास्टर 11 100% मनी इजीली से एन करेंगे। कमाल का ऐप है माई मास्टर में, आपको माई मास्टर में आपको डेली 1-2 फ्री एंट्री भी मिलेगा, आप 100% मनी इजीली से एन कर सकते हैं। और इस ऐप में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ओपिनियन भी कर सकते हैं। इस ऐप में कमाल का ऐप है, आप 100% मनी इजीली से एन करेंगे। आप दोनों टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले ZGS का टीम का प्लेइंग 11 में देखा जाए तो ओपनिंग में आएंगे वही कमल और एस आमीन को। दोनों प्लेयर का लास्ट थ्री मैचेस का स्टैट्स देखा जाए तो कमल के बारे में बात करें तो लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए तो 49, 24 और 12 लास्ट तीनों मैचेस में कमल कमाल का बैटिंग करके आ रहे हैं। और एस अमीन के बारे में बात करें तो अमीन इस टीम का कप्तान है और लास्ट थ्री मैचेस का स्टार्ट देखा जाए तो 31, 32 और 27 दोनों प्लेयर्स लास्ट तीनों मैचेस में कमाल का बैटिंग करके आ रहे हैं। दोनों प्लेयर्स को मैंने 2 स्टार दे रहा हूँ, आप दोनों प्लेयर को कप्तान टर्म में ट्राई कर सके। दोनों ओपनर्स को मैंने आपको स्टैट्स एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और आर पोनल के बारे में बात करें तो आर पोनल का लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए तो 6 रन 14 रन प्लस 1 विकेट 0 रन प्लस 1 विकेट लास्ट थ्री मैचेस में पोनल को टोटल 2 विकेट मिला। उनके साथ साथ बैटिंग में देखा जाए तो भले ही बैटिंग में फ्लॉप जा रहा है लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर की तरह खेल रहे हैं, हर मैच में बैटिंग बॉलिंग कमाल का कर रहे हैं। अभी शाहिद के बारे में बात करें तो लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए तो 36, 25 और 38 ये भी कमाल का बैटिंग करके आ रहे हैं तीनों मैचेस में। और एल सिंह के बारे में बात करें तो एल सिंह का लास्ट थ्री मैचेस में देखें 1, 22, 29 एल सिंह का लास्ट थ्री मैचेस फ्लॉप ही जा रहे हैं लेकिन इतना भी फ्लॉप नहीं, एवरेज प्रदर्शन दे रहे हैं। एल सिंह भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको अब अगर आप ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम, तो इनको आप 1-2 टीम में कप्टन स्क्वाड में ट्राई कर सकते हैं एल सिंह को। और एन हुसैन के बारे में बात करते हैं, एन हुसैन का लास्ट थ्री मैचेस में देखा 90 रन प्लस 2 विकेट 33 रन प्लस 2 विकेट और एक मैच में इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं मिला था। एन हुसैन को लास्ट थ्री मैचेस में टोटल 4 विकेट मिला और बैटिंग भी कमाल का कर रहा है। एन हुसैन को भी मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, एन हुसैन को भी आप कप्टन उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और डी लगट के बारे में बात करते हैं, लास्ट थ्री मैचेस में देखा था 1 रन प्लस 0 विकेट 7 रन प्लस 0 विकेट 65 रन प्लस 0 विकेट लास्ट तीनों मैचेस इनको विकेट तो नहीं मिला लेकिन तीनों मैचेस बैटिंग कमाल करके आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। और एम के बारे में बात करें, इस्लाम का लास्ट थ्री मैचेस में देखा 1 विकेट 9 रन और 19 रन प्लस 1 विकेट लास्ट थ्री मैचेस में इनको टोटल 2 विकेट मिला है। और एम डब्ल्यू अकरम के बारे में बात करें, अकरम का लास्ट थ्री मैचेस में देखा 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट अकरम को टोटल 3 मैचेस में 3 विकेट्स मिले हैं। और ये शर्मा के बारे में बात करें, शर्मा को लास्ट थ्री मैचेस 3, 3 और 4 लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए तो उनको टोटल 7 विकेट्स मिले शर्मा जी को, लास्ट थ्री मैचेस 7 विकेट इनको भी मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, उनको भी कप्तान उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और जेट इकबाल के बारे में बात करें, इकबाल को लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए तो 19 रन प्लस 0 विकेट 14 रन प्लस 1 विकेट और 19 रन इकबाल का लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए टोटल इकबाल को 1 विकेट मिला लेकिन बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं इकबाल। मैं आपको ZGS टीम का प्लेइंग 11 का साथ साथ हर प्लेयर का स्टैट्स एक्सप्लेन कर दिया। अब UAE टीम का देखा है तो UAE टीम के लिए ओपनिंग में आएंगे ये शर्मा और एम जयो को, ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग में आएंगे, दोनों प्लेयर्स कमाल का प्लेयर्स है। लास्ट थ्री मैचेस में शर्मा जी का लास्ट थ्री मैचेस में स्टार्ट देखा है, टीम का विकेट कीपर है 93, 51, 2 शर्मा जी को भी मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, उनको भी कप्तान उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और एम जोय के बारे में बात करते हैं, लास्ट थ्री मैचेस में देखा है 26, 9 और 22 जोई लास्ट थ्री मैचेस में देखा है ठीक ठाक जा रहे हैं, एवरेज बैटिंग का जा रहे हैं। और एफ नवाज के बारे में बात करें, नवाज को लास्ट थ्री मैच 5 विकेट 32 और 28 नवाज को भी मैं 1 स्टार मार्क दे रहा हूँ, आप नवाज को भी कप्तान उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं। और सरूफ के बारे में बात करें, सरूफ का लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए 22 रन प्लस 0 विकेट 281 एक टेस्ट में मारे थे और 44 रन सरूफ को लास्ट थ्री मैचेस में देखा जाए कमाल का बैटिंग करके आ रहा है। सरूफ को मैं भी 2 स्टार दे रहा हूँ, इनको भी आप कप्तान उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं सरूफ को भी। और ये अजहर के बारे में बात करें, अजहर का इस टीम का कप्तान है, लास्ट थ्री मैचेस में तीनों मैच फ्लॉप जा रहे हैं, एक मैच इनको बैटिंग बॉलिंग में चांस नहीं होता, एक मैच में 1 रन और एक मैच में 26 रन आप अजहर को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं 6 से 10 ग्रैंड लीग टीम खेलते हैं तो आप अजहर को एक टीम में 1-2 टीम में कप्तान उसका टर्म में ट्राई कर सकते हैं। इतना भी इनका देखा तो 3 मैचेस में एक ही में इनका 2 मैचेस में इतना तो अच्छा बैटिंग में चांस नहीं था, जिस मैच में मेरे साथ 26 रन मार के आउट हो गए थे। और टी जमान के बारे में बात करें तो टी जमान का लास्ट थ्री मैचेस में देखा 0 विकेट्स लास्ट थ्री मैचेस में देखा तो टी जमान को टोटल 2 विकेट मिला है। और ये शहजादे के बारे में बात करें, शहजादे को लास्ट थ्री मैचेस में 0 विकेट्स 9 रन प्लस 2 विकेट 5 रन प्लस 0 विकेट है शहजादे को लास्ट थ्री मैचेस में देखा तो टोटल इनको भी 2 विकेट मिला है।
और हम इरफान के बारे में बात करें, इरफान को लास्ट थ्री मैच जिसमें एक विकेट, 8 रन प्लस 0 विकेट और 2 विकेट, इरफान को लास्ट थ्री मैच जिसमें टोटल इनको 3 विकेट्स मिले। इरफान भी लास्ट थ्री मैच जिसमें कमाल का बॉलिंग करके आ रहे हैं। और जट खान के बारे में बात करें, जट खान का लास्ट थ्री मैच जिसमें देखा था एक विकेट, 18 रन प्लस 0 विकेट, 2 रन प्लस 0 विकेट, जट खान का देखा है तो लास्ट थ्री मैच जिसमें टोटल इनको 1 विकेट मिला है। और एम खान के बारे में बात करें, खान को लास्ट थ्री मैच 0 रन प्लस 3 विकेट, 2 रन प्लस 1 विकेट और 1 विकेट, खान को लास्ट थ्री मैच जिसमें टोटल 5 विकेट्स मिले हैं एम खान को। और के शाह के बारे में बात करें, के शाह को लास्ट थ्री मैच 6 रन प्लस 0 विकेट, 14 रन प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट, के शाह को लास्ट थ्री मैच में देखा जाए टोटल इनको 1 विकेट मिला है के शाह को। आप मैं दोनों टीम का हेड टू हेड का हेड टू हेड भी एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आपको दोनों टीम का प्लेइंग 11 का सबसे हर प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। दोनों टीम का हेड टू हेड के बारे में बात करें तो अब तक टोटल दोनों टीम का एक ही बार मैच हुआ है इस दोनों टीम में, उसमें जेड जी एस ने एक बार मैच हुआ उसमें यूकेएक्स टीम का खिलाफ विन करके आ रहे हैं। और दोनों टीम का टीम फॉर्म के बारे में बात करें, जेड जी एस का टीम का देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस में 2 मैचेस लॉस होकर आ रहे हैं और 3 मैचेस में विन करके आ रहे हैं। और यूकेएक्स के बारे में बात करें, यूकेएक्स ने लास्ट 3 मैचेस में देखा 2 मैचेस विन किए हैं और 3 मैचेस लॉस होकर आ रहे हैं। मैंने दोनों टीम का आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया। दोनों टीम का की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो जेड जी एस टीम के की प्लेयर्स में आएंगे वही कमल और एस आमिन, एन हुसैन और ये शर्मा, ये चारों प्लेयर जेड सी एस टीम के लिए की प्लेयर्स हैं। और यूकेएक्स टीम के लिए देखा जाए तो यूकेएक्स टीम के लिए की प्लेयर्स होंगे ए शर्मा, एफ नवाज, ए सरूफ और ए सहजादे, ये चारों प्लेयर यूकेएक्स टीम के लिए की प्लेयर्स हैं। अब कप्तान उस कप्तान के बारे में बात करते हैं, कप्तान उस कप्तान किस किस प्लेयर को चूज कर सकते हैं। कप्तान उस कप्तान ए शर्मा को, एफ नवाज को, ए सहजादे, एन हुसैन, ए शर्मा और ए कलाम को, आप चारों प्लेयर, चारों प्लेयर्स को आप कप्तान उस कप्तान में ट्राई कर सकते हैं। चारों प्लेयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और कप्तान वर्स कप्तान में उनको 100% कप्तान वर्स कप्तान ट्राई कर सकते। उससे पहले आपको फाइनल टीम के बारे में बात करते, अभी मैं आपको फाइनल टीम लाइव में बनाकर दिखाऊंगा। उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सुन रहे हो तो आप टेलीग्राम में जाकर @SKTFantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं फाइनल टीम में आपको स्वागत है। जेड जी एस वर्चा यूकेएक्स फाइनल टीम में आपको स्वागत है। विकेट कीपर में आपको मैं बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर्स को पिक करूंगा। पहले विकेट कीपर में देखा है बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन मैं एक ही विकेट कीपर को पिक करूंगा, एक कलम को। एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, इनको आप 100% पिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, इनको आप 100% पिक कर लेना। अब एस आमिन को भी ट्राई कर सकते हैं, आमिन भी एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक करूँ, शर्मा जी को भी ट्राई कर सकते हैं, पूरा 3 विकेट कीपर, ये तीनों विकेट कीपर कमाल का विकेट कीपर बैट्समैन, कलम, एस आमिन और ये शर्मा, ये चारों, ये तीनों विकेट कीपर्स को आप 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा जाए बहुत सारे बैट्समैन है, एफ नवाज, स्वरूफ भी है और आर पोनल भी है, पूरा हम लोग अब तक पूरा 3 बैट्समैन को पिक कर लें, तीनों बैट्समैन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लें, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं। अब ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो हम लोग अब तक टोटल 6 प्लेयर्स को पिक कर लें। ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो हम लोग ऑलराउंडर्स पिक करेंगे, एन हुसैन को पिक कर लेंगे, एन हुसैन भी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। और देखा टी जवान को पिक कर लेते हैं, टी जवान को लास्ट 3 मैच इनका भी कमाल का बैटिंग बॉलिंग करके आ रहे हैं, और एम नामिंग को भी पिक करने हैं। पूरा हम लोग ऑलराउंडर्स में अब तक पूरा 3 ऑलराउंडर्स को पिक कर लें, तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब बॉलर्स में देखते हैं बहुत सारे बॉलर्स है बॉलर्स, लेकिन हम लोग 2 ही बॉलर्स को पिक करेंगे, एम इरफान को और डब्ल्यू अक्रम को, पूरा हम लोग 2 बॉलर्स को पिक कर लें, ये दोनों बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। अगर विकेट कीपर में देखें 3 विकेट कीपर को पिक कर लिए हैं बैट्समैन, वो 3 बैट्समैन ऑलराउंडर्स में, 3 ऑलराउंडर्स और बॉलर्स में हम लोग 2 बॉलर्स को पिक किया। अब कप्तान कप्तान के बारे में बात करें तो कप्तान में हम लोग बनाएंगे एफ नवाज को और वाइस कप्तान आर पोनल को। मैंने कप्तान वाइस कप्तान का नाम भी बता चुका, आप हुसैन को भी ट्राई कर सकते हो वाइस कप्तान में। मैंने सेव करके रख लेता हूँ टीम को, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज़। टीम को मैंने सेव करके रख लिया। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैं 3 विकेट कीपर को कले वाई कलम को और एस आमिन को और ये शर्मा को, पूरा हम लोग 3 विकेट कीपर को पिक कर लें। बैट्समैन में देखा तो 3 बैट्समैन एफ नवाज, सरूफ और पोनल को, और ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर्स, टी जमान, एम नीम को और एन हुसैन को, पूरा हम लोग 3 ऑलराउंडर्स को भी पिक कर लें। बॉलर्स में 2 बॉलर्स, एम इरफान और डब्ल्यू अकरम को। मैंने कप्तान में बनाए एफ नवाज को और वाइस कप्तान में एन हुसैन को। मैं आपको कप्तान वाइस कप्तान का नाम भी बता चुका हूँ।
अगर आपको फाइनल टीम के बारे में बात करें तो फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा 15 से 20 मिनट पहले आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको प्लेयर में एक दो प्लेयर मिस होता तो आपको इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके @SKTFantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू। जय हिंद।